ट्रेन हो चुकी है आज डाइवर्ट है, अंदर से निकल जाइए वहाँ पहुँच जाएंगे। चाहे आप कितना भी इनको पे कर लो, 80 की थाली की आप 200 भी पे कर लो। पूरा कंट्रोल पैनल किसे खुल गया। ट्रेन नंबर 12562 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को बिहार के जयनगर से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन 55 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से 1235 किलोमीटर कवर करती है 22 घंटे 40 मिनट में। और आज फाइनली यार हमको इस ट्रेन में टिकट मिल गई, और आज इस ट्रेन में अपन लोग थर्ड एसी में ट्रेवल करने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल आप जो लोकेशन देख रहे हो ना, ये हम खड़े हुए हैं न्यू दिल्ली के स्काई वॉक में, और पीछे रेलवे स्टेशन, लाइट्स एकदम शानदार। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये शानदार जर्नी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। और अभी हम एंटर कर रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 नंबर प्लेटफॉर्म की साइड से। और भाई साहब लाइन देख रहे हो, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर एंट्री गेट पर। फाइनली अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आ चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, और 9:15 का अपना डिपार्चर है। और भाई 9 बजे ही इसको लगाया गया है प्लेटफॉर्म पे। चलो अंदर आपको अपनी सीट दिखा देते हैं और फिर होने वाला है अपना डिपार्चर। तो आज B3 में अपनी सीट है, ये सीट नंबर 32 साइट अपर। और एक चीज़ हम दिखाते हैं अभी आपको, ये देखो भाई कैसी फॉग जम गई है ट्रेन के शीशों पर। AC चल रहा था तगड़ा, इसलिए एकदम फॉग जम गई है। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ट्रेन निकलते ही पता नहीं ये पूरा कंट्रोल पैनल किसे खुल गया, पूरा जो बॉक्स होता है ना, ये देखो पूरा ओपन हो गया भाई। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से अपन लोग निकल चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली न्यू दिल्ली से निकलती है रात को 9:15 पर, और नेक्स्ट डे शाम को 7:23 पर पहुँचा देती है जयनगर। तो अभी आप ये जो बैग्स वगैरह देख रहे हो ना, तो ये बैग्स में है बेड रोल। ये देखो इस ट्रेन में बेड रोल की फैसिलिटी हो गई है चालू, अभी ये सभी पैसेंजर्स को बांटे जाएंगे। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अलीगढ़ जंक्शन, जो कि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन का एक क्लास का रेलवे स्टेशन है, और आता है ये अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीजन के। और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे आपको लिफ्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, और अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। अंदर ही अंदर से निकल जाइए, वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अभी क्रॉस करी प्रयागराज उधमपुर एक्सप्रेस, क्या स्किप मार के गई है, मज़ा आ गया।
मैं आपको दो बेडशीट के अलावा ये देखो हैंड टॉवल भी मिलेगी, ठीक है, और एक पिलो कवर। ये है पिलो कवर, क्योंकि अपना जो पिलो है ना इसमें कवर लग के नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको कवर खुद ही लगाना है। तो ये पिलो कवर, हैंड टॉवल और दो बेडशीट, और वहाँ पर ब्लैंकेट तो है ही। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग वाराणसी जंक्शन, और इस रेलवे स्टेशन से डेली 300 ट्रेन पास होती हैं, 45 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 45 ही टर्मिनेट होती हैं। और इस रेलवे स्टेशन को 2018 में सिलेक्ट किया गया था टू कन्वर्ट इन द वर्ल्ड क्लास हब, और इस रेलवे स्टेशन की जो छत है ना उस पर करीब 600 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और अभी प्लानिंग भी चल रही है करीब 1000 किलोवाट के सोलर पैनल्स और ऐड करने का। और अपनी स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। चलो अब यहाँ पर कुछ यार ब्रेकफास्ट देखते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं केले मिल जाते हैं, केले लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। केले दीजिए 10 के दे दीजिए। तो अभी स्टॉल से ही हमने ले लिए हैं केले भाई, 10 रुपए के हमको दो केले मिले हैं यहाँ पर। और वैसे अभी ब्रेकफास्ट ट्रेन में मिल रहा है, कटलेट हो गया, ब्रेड कटलेट हो गया, ब्रेड ऑमलेट, ये सब ब्रेकफास्ट मिल रहा है, बट हमने सोचा क्यों ना कुछ फ्रूट्स खाए जाए। तो आपको वाराणसी जंक्शन पे सुबह सुबह ट्रेन आती है, बढ़िया फ्रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, फ्रूट्स खाओ हैं बेटे, दिलवा देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, आओ इधर आओ बच्चे आ गए कह रहे केला खाने, आओ हैं, अरे हम दिलवाई दे रहे हैं, तुमको टेंशन ले रहे हो, लो बेटे ठीक है चलो। अरे आगे बुला रहा है यार, वो देखो सर तो अभी लगा है तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से। और अब आपको बता दें जो लाइन जाती है ना वाराणसी से, एक तो जाती है DDU के लिए, तब अपन लोगों को गंगा नदी जो है पार करनी रहती है, लेकिन अभी जिस लाइन पे अपन लोग जाने वाले हैं ना छपरा वाली लाइन, उसमें अपन गंगा नदी पार करेंगे घूमती रिवर बस आने वाली है, घूमती रिवर। तो ये पेंट्री से तो कुछ नहीं लिया है, लेकिन ये देखो हम लाए थे केक इस जर्नी में, तो चलो इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं चॉकलेट केक।
कैसा है वैसे, बेकरी में जो मिलता है ना बेकरी से ही लिया हुआ है। एकदम बढ़िया टेस्ट है यार, बिल्कुल फ्रेश है, क्या है ना चोकोलावा केक है बेकरी का बना हुआ फ्रेश, इसलिए लेके आए थे हमने, सुबह सुबह खाएंगे और अभी बनाना खाया था उसके बाद। ये दो देना पानी की बोतल, ठंडी तो नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मल ही हो जाएगी। निर्धारित समय से 1 घंटे 5 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग बलिया, और अपनी ट्रेन इतनी लेट कैसे हो गई तो हम आपको बता देते हैं। अपनी ट्रेन हो चुकी है आज डाइवर्ट, जो अनवीहर जंक्शन पड़ता है ना वहाँ से फेफना जंक्शन के बीच अपनी ट्रेन को कर दिया था डाइवर्ट। अपनी ट्रेन आई है वाया मऊ जंक्शन होते हुए, अब हम आपको वो रूट तो दिखाते हैं, लेकिन क्या है ना कि अपनी ट्रेन का वहाँ कहीं भी स्टॉप नहीं था, सब स्किप करते हुए आई है अपनी ट्रेन। एक जगह बस रुकी थी जहाँ पे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की अपनी क्रॉसिंग हुई थी बस, बाकी क्योंकि स्टॉप तो था नहीं, रूट डाइवर्टेड था इसलिए वो हमने आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो भाई मऊ जंक्शन भी दिखाते आपको, वो तो मेन इंपॉर्टेंट जंक्शन था इस रूट का, बट इसी वजह से अपनी ट्रेन लेट हो गई है। बाकी बलिया रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, और रीज़न भी हम बता देते हैं आपको क्यों अपनी ट्रेन का रूट डाइवर्ट हुआ है। तो ये जो रूट था ना फेफना जंक्शन से होते हुए गाजीपुर होते हुए, तो वहाँ पर अभी चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम, इसीलिए अपनी ट्रेन को डाइवर्ट, अपनी ट्रेन नहीं मतलब जितनी भी ट्रेन थी ना इस रूट की लगभग सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है मऊ जंक्शन से होते हुए। अभी यहाँ चल रहा है ट्रैक मेंटेनेंस काम, और इसी वजह से अपन लोगों को सिग्नल नहीं मिला है। ये है छपरा दिल्ली लोकनायक एक्सप्रेस, से 35 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग छपरा जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवे का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन से पर है ना इंडियन रेलवे कमाता है करीब 60 करोड़ रुपए, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और आज ना हमने इस ट्रेन की पेंट्री से खाना ऑर्डर नहीं किया था, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना, उसका रीजन क्या है आगे हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल चलो यार चलते अपनी सीट पे। 36 नंबर दे दो भाई,
कौन सा वाला? ऊपर वाला है ये वाला पे दे। बगल से ये खड़ी हुई थी बाग एक्सप्रेस हावड़ा काठ गोदाम, इसका डिपार्चर हो गया, इसको मिल गया है सिग्नल। और बगल से ये खड़ी हुई थी लिच्छवी एक्सप्रेस, लेकिन अपन को पहले सिग्नल मिल गया, जबकि ये पहले से खड़ी हुई थी अपने से। ये है अपना लंच जो अपन ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो बता दें आज अपन ने ऑर्डर किया था ये मटर पनीर कॉम्बो, बट भाई मटर पनीर तो ये कहीं से लग ही नहीं रहा है, इसमें मटर तो है ही नहीं। ये है ऑनलाइन वाले भी भाई गड़बड़ कर देते हैं, देख रहे हो ना, मटर तो है ही नहीं इसमें। और ये है मटर पनीर कॉम्बो और इसके साथ में चार रोटी हैं, सैलेड और अचार। और ये कॉम्बो हमको पड़ा है 170 रुपीस का पड़ा है। चलो टेस्ट करते हैं भाई, टेस्ट कैसा है? टेस्ट सही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, एवरेज टेस्ट है, लेकिन फिर भी हल्का सा ने तीखा कर ही दिया। हमको तीखा नहीं खाना था बट क्या करें। चलो जल्दी से लंच करते हैं, फिर आगे हम पूरी कहानी बताते हैं आपको कि पेंट्री का खाना क्यों नहीं लिया इस ट्रेन में हमने। निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग हाजीपुर जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने हेडक्वार्टर्स ओपन किया था, इनॉग्रेशन किया था 1966 में, और फिर 2002 में उसको ऑपरेशनल कर दिया गया। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। धूप तो यार बहुत तगड़ी हो रही है, और यहाँ का तो आप जानते ही हो, हम एक बार पहले ही बता चुके हैं, चीनी केला छोटा छोटा यहाँ पर जो केले मिलते हैं ना वो काफ़ी फेमस है। और इस ट्रेन के थर्ड एसी में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो थर्ड एसी का कोच देख रहे हैं भाई, बिल्कुल साफ़ सफाई एकदम बढ़िया मेंटेन है ये देखो। और एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर अभी तक हमको नहीं दिखा इस जर्नी में, देख लो जितनी सीट्स उतने पैसेंजर, एक्स्ट्रा कोई क्राउड नहीं, गंदगी भी नहीं है, मेंटेनेंस साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया लगी हमको इस ट्रेन की कोच की। ये देखो थर्ड एसी काफ़ी अच्छा मेंटेन है। निर्धारित समय से आधा घंटे की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन, और अपनी स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। अब आपको बता देते हैं भाई कि हमने इस ट्रेन की पेंट्री का खाना क्यों नहीं खाया। क्या है कि अभी इतना बैक टू बैक ट्रैवलिंग चली रही है तो हमारे गले में हो गए छाले, ठीक है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली है, तो हमको करना है परहेज। और भाई पेंट्री का आप खाना जानते ही हो कैसी क्वालिटी ये लोग मेंटेन करते हैं, है ना, और कैसी क्वालिटी मिलती है। चाहे आप कितना भी इनको पे कर लो, 80 की थाली की आप 200 भी पे कर लोगे तो अभी आपको वही क्वालिटी मिलेगी।
है ना, इसीलिए हमने पेंट्री का खाना नहीं खाया, बाहर से मंगाया था। कुछ ना कुछ क्वालिटी तो भाई बाहर के खाने में ज़्यादा सही रहती है जो ऑनलाइन अपन लोग मंगाते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन खाना मंगाया, पेंट्री का खाना नहीं खाया। बाकी इस ट्रेन में लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिली है बहुत अच्छी, वो ये एक तो साफ़ सफाई हमने आपको दिखा दी, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रेल नीर घी पे एक चीज़ आ रही है, वो भी 15 की 15 में ही। ठंडी भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी 15 की ही दे रहे हैं, हमने देखा है जब से दिल्ली से कल से ट्रेन निकली है ना तब से 15 की बोतल 15 में ही और रेल नीर ही। ऐसा नहीं लोकल पानी भी चला रहे हो, वैसा सीन नहीं देखने को मिला है। तो ये तो हिसाब से तो यार ठीक लग रही है, बाकी खाना पीना तो बाकी इसमें है ही है, पेंट्री में बन ही रहा है, तो वो आपको मिल ही जाएगा जर्नी के दौरान। तो भाई मौसम तो हो ही रहा था, बादल तो हो ही रहते हैं, बारिश भी होनी शुरू हो गई है यहाँ पर। और सामने ये देखो अभी आ रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये है जयनगर दानापुर इंटरसिटी। अब यही छाले वगैरह की हमारी चल रही है, तब भाई डॉक्टर को दिखाया था तो भाई कम से कम 5 दिन का जो है पूरा डोज है, तो अभी दवाई भी खानी है और साथ में ये गार्गिल भी करना है, ट्रेन में ही होगा सब कुछ। मुजफ्फरपुर से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और क्या वेदर हो गया है यार, मस्त बारिश हो रही है अभी और अभी कुछ क्रॉसिंग्स भी होने वाली हैं, तो ऐसी बारिश में क्रॉसिंग का मज़ा ही दुगना होता है। ये देखो समय से 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग समस्तीपुर जंक्शन, जो कि बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस रेलवे स्टेशन से आपको इंडिया की मेजर सिटीज़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी। और अपनी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है, क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल, पीछे जो लोकोमोटिव लगा है ना, जैसे हम आपको बताएं WAP-7 लगा हुआ है, वो अभी आगे की साइड लगाया जाएगा। तो ये अभी देखना, अभी अपना लोको यहाँ से पास होगा जो इस ट्रेन में लगा है, ये WAP-7 कानपुर का लगा हुआ है लोकोमोटिव, अब जाएगा ये आगे और कपल होगा अपनी ट्रेन में। और समस्तीपुर से निकलने के बाद ही ये देखो भाई कितना बेहतरीन कर्व आता है,
पूरी ट्रेन दिखती है यहाँ पर। जर्नी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अब हम आपको इस ट्रेन के वॉशरूम की कंडीशन दिखाते हैं, थर्ड एसी की। तो यहाँ पर बेसिन वगैरह ठीक साफ़ है, मिरर भी सही साफ़ है। दिखा देते हैं आपको टॉयलेट, इस बार ये वाली टॉयलेट दिखाते हैं, लेकिन इसकी लाइट ख़राब हो गई है, लाइट अभी जल नहीं रही है। ये है वॉशरूम की कंडीशन, हैंड वॉश मिलेगा बट यहाँ पर थोड़ी स्मेल है। साफ़ सफाई तो सही है लेकिन स्मेल थोड़ी आ रही है, बस ये एक थोड़ी सी बेकार चीज़ है, बाकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है। निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग दरभंगा जंक्शन। और वैसे तो हमारा प्लान था इस ट्रेन से स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस से जयनगर तक जाने का, लेकिन हमारा टिकट भी भाई जयनगर तक ही है, लेकिन ट्रेन अपनी इतनी लेट हो गई है और अगली जो नेक्स्ट जो ट्रेन जर्नी है ना हमारी, वो होने वाली है दरभंगा जंक्शन से। आप लोगों कई लोगों को पता भी चल गया होगा भाई कि कौन सी ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं अब दरभंगा से, तो इसीलिए हमको यहीं पर जो है डीबोर्ड करनी पड़ रही है ट्रेन, क्योंकि यहाँ से हम जयनगर जाते मात्र 68 किलोमीटर है खैर, लेकिन यहाँ से वहाँ जाते फिर वहाँ से वापस यहाँ आते है ना, और ज़्यादा समय भी नहीं है। कल सुबह हमारी यहाँ से ट्रेन है दूसरी दरभंगा से, ठीक है ना। तो जिन लोगों को पता हो कि कौन सी ट्रेन होने वाली है तो कमेंट से ज़रूर बताना, और बाकी ये जर्नी आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर्स एच वाई हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।